नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवेश और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मी फॉर टेक में। और आज वीडियो आपके लिए लेके आया हूं हुआ है ऑनर व्यू 10, द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन विद इट्स ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों 2018 और कंपनीज लॉन्च करने जा रही है अपने बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक फोन्स, बट ऑन पेपर ये बात अच्छी लगती है कि इस फोन में है एडवांस्ड AI। तो दोस्तों आज इस वीडियो आपके लिए टॉप 5 फीचर्स ऐसे ही मैं बताने जा रहा हूँ इस फोन के, जो इस फोन को सच में फ्यूचरिस्टिक फोन जो है बनाता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स बिगिन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जनरली अपनी वीडियो की शुरुआत में कहता नहीं हूँ, बट आज कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं वीडियो बस एक हफ्ते में एक बार ही लाता हूँ, तो इसका आप जो है नोटिफिकेशन से परेशान नहीं होने वाले हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन याद से दबा दें, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए हुए आपका जो है सब्सक्राइब का कोई भी फायदा जो है नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। और वीडियो पर मैं आपको फीचर बताने से पहले आपको 3 हाईलाइट फ़ोन की बताना चाहूँगा, क्योंकि इन 3 हाईलाइट की वजह से बाकी फीचर्स जो हैं काम करते हैं। तो पहला तो है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको मिलता है क्रीन 970 AI प्रोसेसर। सेकंड है इसका न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड है इसका 20 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल डुअल लेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। तो चलिए फाइनली अपने जो है फीचर्स पर आ जाते हैं। तो इसका पहला फीचर है स्प्लिट स्क्रीन। वैसे तो जितने भी लेटेस्ट फोन आए उनमें ये फीचर दिया गया है, हो सकता है आपके फ़ोन में भी हो, बट इसका ये फीचर एडवांस है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप अपनी फिंगर को इस तरीके से मोड़कर स्वाइप करेंगे स्क्रीन पर, इसका एडवांस AI रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यूज़र ने इस तरीके से फिंगर को स्वाइप करा है, और जो है ऑटोमेटिकली अपना जो है स्क्रीन को स्प्लिट कर देगा दो पार्ट्स में। और दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपको नोटिफिकेशन आती है तो वो अलग स्प्लिट स्क्रीन में ही ओपन हो। फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपकी वीडियो आप चाहते हैं कि इंटरप्ट भी ना हो और जो है नोटिफिकेशन का रिप्लाई भी कर सके, तो आप जो है इसमें कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें दूसरा कमाल का फीचर आता है ऑफलाइन ट्रांसलेशन। वैसे तो कई सारे हाई एंड डिवाइसेज, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी सीरीज ने ये फीचर डालने की कोशिश करी है, बट आज तक किसी का इतने से तरीके से काम नहीं कर पाता था। बट इस डिवाइस में जो ये फीचर दिया गया है ये 90% केसेज में सही सही जो है काम करता है। तो इसमें करना कुछ नहीं होगा, बस आपको टेक्स्ट के ऊपर कैमरा होवर करना होगा और एक किसी भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल स्पेनिश है, उसको ट्रांसलेट करके स्क्रीन पर शो कर देगा इंग्लिश में रियल टाइम में वो भी। तो दोस्तों इसमें तीसरा कमाल का फीचर आता है इसका AI कैमरा। आपने देखा होगा कि MI के फ़ोन्स में एज बताता है जब आप सेल्फी लेते हैं, हाँ वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, बट इस फ़ोन में जब आप कोई पिक्चर लेंगे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की, तो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप किस टाइप की इमेज जो है ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट की ले रहे हैं तो टेक्स्ट बता देगा, पौधे की लेंगे तो पौधे की बता देगा, बट इसमें कमाल की बात ये होगी कि ये उसको सिर्फ बताएगा ही नहीं, उसके हिसाब से सैचुरेशन, एक्सपोजर और जो भी बाकी सारी सेटिंग रहती है उसको एडजस्ट करेगा, और आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है सेटिंग करके आपको बेस्ट रिजल्ट भी जो है देगा। तो दोस्तों इसमें चौथा कमाल का फीचर आता है PC मोड। इसके लिए आपको अपने मोबाइल और अपने PC को केबल से कनेक्ट करना है और आपका ट्रैक पैड जो है तैयार हो जाएगा, यानी कि आप लैपटॉप में जब जो है अपने PC में भी ले पाएंगे। और इसमें केबल के जरिए आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने PC की बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय कर सकते हैं। और कमाल की बात ये होगी, इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको कोई भी एडवांस या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें पांचवा फीचर आता है फुल स्क्रीन मोड। आपने देखा होगा जब कोई एप्लीकेशन या फिर गेम अपने मोबाइल में चलाते हैं तो आपको ऊपर नीचे ब्लैक बेजल्स यानी पट्टी देखने को जो है मिलती है, तो वो प्रॉब्लम आपको जो है इस फ़ोन के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये फ़ोन जो है उस एप्लीकेशन को अपनी 18:9 रेशो डिस्प्ले के हिसाब से जो एडजस्ट करेगा, ताकि आप जो है फुल स्क्रीन का जो है मज़ा ले सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को ज़रूर नीला कर दें, और जो भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हों, सजेशन आ रहे हो फीचर को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर कोई सजेशन हो, और हो सके तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर 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 दबा दें। और कोई भी जो फ्यूचर में अपडेट होगा, जैसे बाय लिंक हो, वेबसाइट का लिंक हो, वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में उसका इन्फो जो है डाल दूंगा। और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।